गाइस कैसे हो आप सब। मेरा नाम शुभम सहानी और मैं फिटनेस को वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि आप सब जानते हो। सो आज का टॉपिक हड़बड़ी की तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अगर आप इसको बड़ी इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखेगा। आज का जो टॉपिक है वो सोचे रहे कि नो वर्ड लोग सोचते हैं लेकिन समझ नहीं पाती कैसे क्या करें, वो है आई रेस्ट। अपने आंखों को आराम कैसे दें सबसे पहला बात, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में यू नो डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन होता है तभी एक शरीर बनता है ना। तो ऑर्गन्स हैं तभी आपका पूरा शरीर है, आप चल रहे हैं। तो हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज होता है, तो मैं आज बताऊंगा आई को रेस्ट देने के लिए किस किस तरह के एक्सरसाइजेस करना है। सो अगर आप इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जो है यू नो रात को नींद अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को एक तरह का बीमारी होगी कि रात को यू नो मोबाइल चलाते हैं अलग बात है ना, लैपटॉप चलाते हैं अलग बात है, वो बिजी है कहीं तो वो अलग बात है। लेकिन जो इंसान लिटरली सोचते हैं कि मुझे सोना है बट फिर भी रात रात में नींद नहीं आता, लाइक 2 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक नींद नहीं आता बिना मतलब पता नहीं क्या रीजन, तो वो सब होता है कि वो इसलिए होता है क्योंकि हर ऑर्गन का एक एक्सरसाइज होता है जो कि हम लोग नहीं समझ पाते कैसे करना। तो अगर ये एक्सरसाइज आप करते हैं कंटिन्यूसली तो आपको रात को बहुत अच्छा नींद आएगा। मैंने भी ये ट्राई किया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी ट्राई करो। सो मैं जो बताने जा रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, आपको बिल्कुल रिजल्ट दिखेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। इट इज द फर्स्ट पॉइंट, द नेम इज मिनी सर्कल आई प्रोब। कैसे करना मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यू नो यहाँ पे जो ये आईब्रो है, ये जो आईज है इसके बीच में मतलब मिनी मतलब क्या, हाँ इसके यहाँ पे पूरा नहीं यहाँ तक मिनी सर्कल आई प्रो लाइक दैट यू हैव टू डू इट राइट या ताकि ये रिलैक्स फील हो, दैट इज कॉल्ड मिनी सर्कल आईब्रो। और इसको जो है एवरी एक्सरसाइज को क्या है ना कि 20 सेकेंड्स करना है। मैं कितना कर रहा हूँ वो मत देखो, मैं क्या कर रहा हूँ ये देखो, और इसको हर एक एक्सरसाइज को 20 सेकेंड करना है। तो ये रहा मिनी सर्कल यू नो आईब्रो या सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑन दैट टॉपिक। व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट यू नो जैसे कि आपको आई रेस्ट अच्छा से मिले। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, सेकेंड पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मिनी सर्कल अंडर आईज यू नो देयर इज नेम, द नेम इज मिनी सर्कल अंडर आई राइट यहाँ पे यू नो यू हैव टू डू लाइक दैट या ताकि बहुत रिलैक्स फील हो, आराम आराम से करना, जोर जोर से नहीं करना कि आंखों को घुसा लेना फिर फोड़ लेना फिर बोलना सुबह मैं गलत बता दी ऐसा नहीं या मिनी सर्कल अंडर आए ताकि आपको बहुत रिलैक्स फील हो, आराम आराम से आप करो ताकि आपको ना रिलैक्स फील हो। तो ये था सेकंड पॉइंट जो कि आपको 20 सेकंड कंटिन्यूस करना है राइट। सो अब मैं बात करूंगा थर्ड पॉइंट के लिए, सो प्लीज बने रहो। द थर्ड पॉइंट इज दैट नेम इज यू नो हाफ सर्कल अंडर आइज राइट, हाफ सर्कल अंडर आइज लाइक ऐसे सो करना राइट या इसको अगर आप इसे कंटिन्यूस करते हो तो आपको आंखें बहुत रिलैक्स फील होगा और बेवजह आपको यू नो जो रात को नींद सताता है वो नहीं होगा, फिर बहुत अच्छा नींद आएगा। तो हर एक ऑर्गन का एक्सरसाइज होता है, इसको मजाक मत, ये भी एक आपका ऑर्गन है, आइज का एक ऑर्गन है, उसका भी एक्सरसाइज होना चाहिए जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आप समझो और फॉलो करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था हाफ सर्कल अंडर आइज राइट या अब कोई कोई बोलेगा कि लड़कियों वाले काम, ये लड़की वाले काम है नहीं गलत नहीं मतलब या ये ऐसा फील हो रहा है ना मत करो फील राइट। सो दैट इज द हाफ सर्कल अंडर आइज या तो यहाँ पे ऐसे करने से क्या होता है कि नस पे असर पड़ता है और जब नस पे असर पड़ेगा ना आराम आराम से करने से तब आंखों पे भी असर पड़ेगा, जिससे कि आपको अच्छा असर पड़ेगा, जिससे कि आपको अच्छा नींद भी आएगा राइट। आप आंखों को रेस्ट नहीं देते, फ्लेक्सिबिलिटी देते, उसका एक्सरसाइज नहीं करते, जिसके कारण आपकी आंखें आपको रात को सोनी भी देती। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड या सो दैट ये मेरा थर्ड पॉइंट था कि यू नो आपको आंखों के नीचे किस तरह से एक्सरसाइज करना है, ये हाफ सर्कल अंडर आईज। सो अब मैं फोकस करूंगा फोर्थ पॉइंट पे, सो प्लीज बने रहो। फोर्थ पॉइंट इज हाफ सर्कल अंडर ब्रो राइट लाइक दैट
इसको आप हर एक एक्सरसाइज को भूलना मत गाइस, कि 20 सेकंड्स कंटिन्यूसली करना है, राइट। मैं कितना कर रहा हूँ वो बाद में देखना, पहले एक्सरसाइज समझो, उसके बाद आप टाइम को एक शेड्यूल में बनाना, फिर उसको आप करना। तो ये हाफ सर्कल अंडर ब्रो, राइट, या तो ये आप 20 सेकंड कंटिन्यूसली करो और इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा दिखेगा। ये रहा मेरा फोर्थ पॉइंट। अब मैं फोकस करूंगा मेरे फिफ्थ पॉइंट पे, तो बने रहो और देखते रहो, क्योंकि जब तक आप कुछ देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, है ना। सो ये इज द फिफ्थ पॉइंट, यू नो, कि अपने आंखों को कैसे आराम दे। इसके लिए मेरा जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि अप्स एंड डाउन ब्रो, फ्रॉम द आई टू ब्रो, राइट। ऐसे अगर आप करते हो एवरी डे आराम आराम से कंटिन्यूसली, आंखों में भी असर पड़ना चाहिए, तो क्या होता है ना कि आपको बहुत अच्छा नींद आएगा। रात रात भर जो आप जगते हो बिना मतलब का, मतलब कि आप फोन यूज नहीं कर रहे, लैपटॉप यूज नहीं कर रहे, कुछ भी यूज नहीं कर रहे, बट फिर भी नींद नहीं आ रहा, तो क्या होता है कि आपको एक्सरसाइज का जरूरी है, हर कॉर्गन की एक्सरसाइज चाहिए। तो आई भी एक ऑर्गन है और कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यू नो। इसको आप मजाक के मत लो, इससे हंसी मजाक के मत लो, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आज के जनरेशन में यूथ ले लेते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड। सो ये था मेरा फाइव पॉइंट। अब मैं सिक्स पॉइंट पे फोकस करूंगा। देखो लास्ट मेरा आखिरी पॉइंट है, वो है ब्लैकआउट, यू नो। उसको कैसे करना है आप देखो। सबसे पहले क्या है ना कि ये हाँ, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना आंखों के पास, और इसको भी आप 20 सेकंड तक करना, यू नो, या ताकि आंखों में भी असर पड़े, और इसको 20 सेकंड करना। तो ये था मेरा सिक्स एक्सरसाइज जो कि आपको आंखों को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कराएगा, यू नो, जो इंसान बेवजह नहीं सो पाते, क्योंकि हर एक ऑर्गन बहुत ज्यादा कीमती है, आपको उसके टाइम उसके हिसाब से एक्सरसाइज करना चाहिए उसको, है ना। हर ऑर्गन को रिलैक्स फील कराने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये ऑर्गन का जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको सही टाइम में नींद आ जाए और सही टाइम में आप उठ जाओ, जिससे कि आप फिजिकली फिट रहो, राइट। अब जिनको मजाक लेना है वो ले सकते हैं, जिनको कौन सी स्ट्रेस के ऊपर काम करना है करो। सो कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, जहां तक हो सके लोगों को फैला दो, बताओ कि आइज को रिलैक्स करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब जितना बताओगे उतना ज्यादा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाहर जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।